दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंस्टेंट दही बड़ा बनाना दिखाऊंगी। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट और बहुत ही आसान है इसको बनाना। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये मैंने 6 स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के, इसके साइड्स को मैंने निकाल लिया है। अब मैं दो तरीके से आपको ब्रेड का दही वड़ा बनाना दिखाऊंगी। बहुत जल्दी बन जाता है ये। मैंने एक बॉयल आलू ले लिया है, इसको मैश कर लिया है मैंने। अब इसमें मैंने एक हरी मिर्ची डाल दी है और धनिया पत्ती डाल दी है। अब इसमें भुना जीरा का पाउडर डाल दिया है मैंने। अब इसमें चाट मसाला डाल देंगे, रेड चिल्ली पाउडर, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सबको मिला लेंगे। बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। इसमें मैं किशमिश डाल दे रही हूँ, मेरे पास ब्लैक वाली किशमिश थी, तो आप लोग के पास जो भी होगा आप वो वाला डाल दीजिएगा। देखिए, मैंने आलू को सारे मसाले के साथ मैश बराबर मैश कर लिया है। अब इसके 3 बराबर बॉल बना लेंगे, क्योंकि मैं 3 आलूओं वाला दही बड़ा बताऊंगी और 3 अलग तरीके से बताऊंगी। ये 3ों बॉल्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब दही बड़ा बनाने चलते हैं। ये ब्रेड ले लिया है मैंने, एक प्लेट ले लेंगे, एक ब्रेड ले लेंगे। ये ठंडा दूध है, इसको बॉयल करके ठंडा करके ले लिया है, इसको ब्रेड पे डाल देंगे। ब्रेड को पूरा गीला कर लेना है दूध से, एकदम सॉफ्ट कर लेना है ब्रेड को। देखिए, ब्रेड को मैंने सॉफ्ट कर लिया है। अब इसके एक आलू का मिक्सचर इसमें डाल देंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। इसको पूरा कवर नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही इसको फोल्ड कर देना है, बिल्कुल इसी तरीके से। बहुत आसानी से हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में। देखिए इसी तरीके से, देखिए हो गया है। मैं बाकियों के भी कर लूँगी। मैं दूसरा भी कर लूँगी। अब मैं दूसरी तरीके से आपको दिखा रही हूँ। इसको भी ब्रेड पूरा पान दूध से डिप कर लेंगे। ब्रेड को एकदम डिप कर लेना है दूध से, ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से। और इसमें 3 से 4 किशमिश मैं डाल दूंगी और इसको ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे, बॉल बना लेंगे इसका। ये भी बहुत ही आसान तरीके से बॉल बन जाता है। देखिए, मेरा बॉल बन के रेडी हो गया है। मैं इसी तरीके के दोनों बॉल और तैयार कर लूंगी। देखिए, मैंने दोनों तरीके के ब्रेड के बड़े तैयार कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा सेकेंगे। मैंने पैन ले लिया है, इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। पैन को ग्रीस कर लेंगे घी से। बहुत ज़्यादा इसमें, अगर आप नॉनस्टिक पैन ले रहे हैं तो आप बिना घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने घी ले लिया है, घी डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आप इसी तरीके से, मैं इसको सेक लूँगी सारे ब्रेड को।
बहुत जल्दी बन जाता है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आप फेस्टिवल में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कोई नहीं बता पाएगा कि ये ब्रेड से हमने बनाया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप जब ट्राई करके खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कितना अच्छा लगता है। ऐसे इसको मैं पलट पलट के फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से मैं नीचे के साइड भी थोड़ा सा घी डाल दे रही हूँ। अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में। ये प्लेट पे मैं डाल दे रही हूँ। बड़े, एक बार आप ब्रेड के भी बड़े बना के तैयार करिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। ये दही ले लिया है मैंने, 2 चम्मच चीनी डाल के इसको फेंट लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी दही। बिल्कुल आप इसको इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों तरफ मैं डाल दूंगी, एक प्लेन बड़ा है, एक स्टफ बड़ा है। इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। ये भुना हुआ जीरे के पाउडर है, ये चाट मसाला है, बिल्कुल इसी तरीके स्प्रिंकल करके डाल देना है। ये ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक, इसको भी स्प्रिंकल कर देना है। प्लेन सॉल्ट भी थोड़ा सा डाल देंगे ऊपर से, और हरे धनिया की चटनी और इमली की चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। रेड चिली पाउडर, अगर आपको रेड चिली पाउडर नहीं खाना है तो आप मत डालिएगा। ये देखिए मैंने इसको हरे धनिया की चटनी और इमली की चटनी के साथ सर्व कर दिया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार इसको आप ज़रूर बनाइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।